हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जनरल मेडिसिन बताने वाला हूं जो कि आपकी अगर स्किन कंडीशन चल रही है, काफ़ी लंबे समय से आपको कोई चर्म रोग चल रहा है, त्वचा से संबंधित कोई बीमारी चल रही है, खास करके आपको एक रिंग वॉर्म नाम की बीमारी हुई है और वो ठीक होने में नहीं आ रही है। जनरली हम देखते हैं इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म, दाग, ये सारी एक ही चीज़ होती हैं और ये ठीक हो जाता है। मेडिसन्स खाते हैं, एंटी फंगल मेडिसन्स यूज़ करते हैं, एलोपैथिक में जनरली फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और कैंडीफोर्स, मतलब इस तरह की काफ़ी सारी दवाइयां हैं और जिनसे ठीक हो जाते हैं। बट ये जो कंडीशन है बार बार फ्रिक्वेंटली पेशेंट्स के अंदर आती रहती हैं कि दाद कुछ दिन के लिए ठीक रहते हैं बट वो बार बार ग्रोथ हो जाते हैं। या फिर सपोज़ कीजिए आप कोई होम्योपैथिक मेडिसन्स ले रहे हैं जिसमें खास करके कॉमनली थेरेप्यूटिकली मेडिसिन हम देखते हैं कि पेशेंट ने नेट्रम्यूर ली, टेल्यूरियम ली, बेसिलिनियम ली, सीपीए ली, तो ये कॉमन सी मेडिसिन है। बट क्या पेशेंट ठीक हो जाता है बट पेशेंट की कंडीशन बार बार हो रही है। अब ऐसी कंडीशन में आपको कम्प्लीटली ठीक होना है तो आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ R21 ड्रॉप के बारे में, जो कि डॉक्टर रेगबैक की जर्मन मेडिसिन है। इसके बारे में आपको डिटेल दूंगा जो कि आपकी कंडीशन को बूस्ट करेगी, जो आप बार बार बीमार होते हैं उस कंडीशन को ठीक करेगी। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल आप ये रेमेडीज समझ सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपके सामने R21 और रिकॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉप, इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर जो मेडिसिन है दोस्तों, मेडिसिन इसमें है जैसे कि इसमें मेडोरेनम मेडिसिन 30 पोटेंसी में है, सोराइनम 30, थोजा 30, वैसलिनियम 30, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने चार मेडिसिन दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और रुकी हुई कंडीशन को ठीक करने की क्षमता इनके अंदर होती है, या फिर जो बीमारी बार बार हो रही है, ठीक होने में नहीं आ रही है, तो वहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा एक्शन है, खास करके स्किन से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती हैं। दोस्तों, इस ड्रॉप का नाम है मेड्रॉन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉप और R21 के नाम से आपको मिल जाएगी मेडिसिन। इसके अंदर कौन कौन सी वो मैंने आपको बता दी हैं। जनरली इसको पीने का जो तरीका, अगर आप अडल्ट हैं तो आप इसके 10 से 15 बूंदे 10-15 ड्रॉप आपको आधे कप पानी में यूज़ करनी है, दिन में 3 बार यूज़ करनी है। सपोज कीजिए, चलिए आपकी जो है रिंग वॉर्म की कंडीशन चल रही है और आपने काफ़ी मेडिसिंस यूज़ कर ली हैं, एलोपैथिक भी और होम्योपैथिक, या फिर आपने आयुर्वेदिक भी यूज़ कर ली है। अब आपने काफ़ी लंबे समय से मेडिसिन छोड़ी हुई हैं, लेकिन क्या होगा कि दाद आपके फिर से अपीयर होने लगे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए आप बीच में पहले इसके आप 2-3 शीशी ला के पी लीजिए। अगर आपको अपनी कंडीशन ठीक करनी है तो R21 की आप 2-3 शीशी पी लीजिए, उसके बाद में आप फिर कोई ट्रीटमेंट लीजिए। या फिर सेकंड ऑप्शन ये है, जो भी आपकी मेडिसिन चल रही हैं उसके साथ में आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है, होम्योपैथिक डॉक्टर से चल रही है, तो उनसे कंसल्ट करके आपको मेडिसिन यूज़ करनी है। अब चीज़ आती है जी, हमारी एलोपैथिक चल रही है तो हम इसको लें या ना लें, तो श्योरली आप एलोपैथिक के साथ इसको ले सकते हैं। इसकी 2-3 शीशी आप पी लीजिए, आप देखेंगे आपकी जो बीमारी है, जो फ्रिक्वेंसी उसकी है, जो उसकी पावर है बीमारी की, काफ़ी कंडीशन आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था दोस्तों सारी कंडीशन, फंगल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म, या जिसको जनरल भाषा में बोलते हैं कि दाद हो गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए बार बार हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और प्राइस की हम बात करते हैं तो आपको 250 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी, 20 से 25 दिन ये चलती है, तो आप इसको ले आइए, काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, कोई भी इसका ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।